मुझे ये बताएं कि ब्रिक्स की मीटिंग में इंडिया पहुंचा हुआ है, पाकिस्तान तो पाकिस्तान मेंबर छोड़े ऑब्जर्वेशन में नहीं है हम। दोस्तों पाकिस्तान की कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है ब्रिक्स में। श्रीलंका की मैं देख रहा था फॉरेन सेक्रेटरी वहां पे पहुंची हुई है, छोटे छोटे मुल्क वहां पहुंचे हुए हैं। बट द क्वेश्चन रिमेंस, पाकिस्तान ने तो अप्लाई किया था, पाकिस्तान के साथ तो रशिया के बहुत अच्छे ताल्लुक है, तो क्यों नहीं बुलाया? ये नहीं होना चाहिए कि जिस तरह इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज होती हैं वहाँ पर बहुत सारी साइड लाइन के ऊपर आपस में भी मीटिंगें होती हैं हेड ऑफ स्टेट्स की, और बायलैटरल मीटिंग भी होती हैं होस्ट कंट्री के साथ। हाँ। चीन को ऐसा नहीं करना चाहिए था, इन्होंने पाकिस्तान को भी नहीं शामिल किया क्योंकि पाकिस्तान ने उनका हर मुश्किल वक्त में साथ दिया है। अच्छा। सियासी मुहाशी लिहाज से, लेकिन आप समझते हैं चीन ने हमें सफारती लिहाज से सपोर्ट तो किया, लेकिन बाज़ाब्ता शरीक स्टेक होल्डर के तौर पे चीन की कोई तैयारी है वो सामने आएगा पाकिस्तान के साथ? अच्छा, ये जो ब्रिक्स समिट है ये इसलिए भी अहम है कि पहली दफ़े कुछ और ममालिक भी इसमें शामिल हो रहे हैं, इस ब्रिक्स में शामिल हो गए हैं फॉर्मली। देखें तकलीफ पता क्या है इस वक्त, और वो शायद इसीलिए नहीं किया, उन्होंने कि पहले कहा होगा पहले मोदी से पूछ लें, व्हाट डज मोदी सेज, मोदी साहब जो कहेगा वो कर लेंगे। क्या मूडी डिप्लोमेटिक मॉरल और ये तरीके इस्तेमाल किया है? देखें हम तो पहले से इसका शिकार हैं, वो इंडिया हमारे खिलाफ गलत प्रोपेगेंडा करता है। हम तो 75 साल से भारत की दहशतगर्दी का मुदाखलत का शिकार हैं, भारत जो है दूसरे ममालिक के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करता है। हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का एपीएन चैनल पे। तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। तो दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया के अंदर इस समय ब्रिक्स की जो कि रूस के अंदर 2024 का समिट चल रहा है जिसके मेन मेंबर्स इंडिया रसिया चाइना और ब्राज़ील हैं, लेकिन अब इस ब्रिक्स के अंदर और भी कई कंट्री जुड़ चुके हैं फॉर्मली इस 2024 की समिट के अंदर जो कि अभी रूस के अंदर चल रहा है, जिस पर इस समय पाकिस्तानी मीडिया को काफ़ी दर्द हो रहा है। और उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान भी डेस्परेटली यानी जी जान से कोशिश कर रहा है कि वह ब्रिक्स में शामिल हो जाए, और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ब्रिक्स के अंदर एक तो चाइना है ही और दूसरा ब्रिक्स का अपना बैंक भी है जिससे इसके मेंबर देश इससे लोन ले सकते हैं, और उसकी दूसरी वजह यह भी है क्योंकि चाइना भी इसका मेंबर है। वैसे में पाकिस्तान चाइना के साथ ब्रिक्स मीटिंग में बैठेगा जहाँ पर वो इंडिया के खिलाफ अपना प्रोपेगेंडा और तेज़ कर सकता है। और इनफैक्ट इस दफ़ा पाकिस्तान बहुत आसान भी था कि रूस पाकिस्तान को इस ब्रिक्स समिट के अंदर बुलाएगा, और कम से कम इस दफ़ा पाकिस्तान इसका मेंबर्स ना बने बल्कि एज ए ऑब्जर्वेशन ही आ जाए और इस ब्रिक्स के अंदर शामिल होने का उसे मौका मिले। लेकिन पाकिस्तान की लाख कोशिशों के बावजूद रूस ने यहाँ तक कि छोटे छोटे देशों को तो बुला लिया लेकिन पाकिस्तान को पूछा तक नहीं। तो दोस्तों आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की इस लेटेस्ट वीडियो। दोस्तों पाकिस्तान की कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है ब्रिक्स में। देखें दुनिया के 36 ममालिक जो हैं वो वहाँ पे पहुँचे हुए हैं। बट द क्वेश्चन रिमेंस, पाकिस्तान ने तो अप्लाई किया था, ठीक है, तो पाकिस्तान को दे कुड हैव इनवाइटेड एज एन एप्लीकेंट, कि जिन्होंने अप्लाई किया वो वेलकम देम। क्या प्रेसिडेंट पुतिन प्रेसिडेंट मोदी से डरते हैं कि कहीं मोदी ना नाराज हो जाए? बिकॉज सारी बात है फॉर रशिया इम्पॉर्टेंट एक्टर इज मोदी, नॉट शहबाज शरीफ। उनके लिए तो इम्पॉर्टेंट एक्टर वो है ना, अरबों डॉलर का 50-60 अरब डॉलर का तेल भी ले लिया है, 75-77 साल का बायलैटरल रिलेशन भी है, जिसको जयशंकर 3 दिन पहले कह रहे थे कि आज तक रशिया ने कभी भी इंडिया के इंटरेस्ट के खिलाफ काम नहीं किया। अब इतने बड़ी तादाद में दुनिया ने वहाँ पे उन्होंने बुलाया हुआ है, पाकिस्तान के साथ तो रशिया के बहुत अच्छे ताल्लुकात है, तो क्यों नहीं बुलाया? आ जाओ, भेज जो आपने अप्लाई भी कर दिया है, साइड पे खड़े हो जाना, पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान का कोई मिनिस्टर चला जाता। श्रीलंका की मैं देख रहा था फॉरेन सेक्रेटरी वहां पे पहुंची हुई है, छोटे छोटे मुल्क वहां पहुंचे हुए हैं। इंडिया देखें, श्रीलंका वहां पे जाए इंडिया को सूट करता है, जैसे इंडिया को ये सूट करता था ये बताना है अफ्रीका को मैं आपको G20 में लेके आया। कल ईरानी प्रेसिडेंट मिले हैं उनको, क्या नाम है, मोदी साहब को, और उन्होंने कहा थैंक यू वेरी मच, आप हमें SCO में लेके आए, आप हमें ब्रिक्स में लेके आए। Who has more leverage over Iran, Pakistan or India? Definitely leverage change हो गई है भैया। People don't look things from an Islamic lens all the time. They look in a from multilateral lens in global politics. India has a clout. India as a major middle power अपना केस बना रही है भाई साहब। और अब देखे ना ये जो ऑप्टिक्स क्रिएट हो रहे हैं, ठीक है, ये बड़े लीथल ऑप्टिक्स हैं। मोदी साहब का
ये तस्वीर देखें आप, द टू पीपल हु आर ऑन हिज राइट एंड लेफ्ट, दिस इज प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड इट्स प्रेसिडेंट शी जिनपिंग, दोनों आर क्राइवल है टू दिस डेट। इस वक्त चाइना की और भारत की ठनी हुई है आपस में वो, ठीक है, ऐसी सिचुएशन में है जहां पे अभी इतमाद आना है, लेकिन पुटिन ही बिठा सकता है इनको अपने दाएं और बाएं। यूएई ने अपने प्रेसिडेंट को नहीं भेजा ब्रिक्स में, वो बायलैटरली मोहम्मद बिन जैद समिट करके चले गए, बाद में अपने फॉरेन मिनिस्टर को भेजा, जाओ चले जाओ तुम इनके साथ बैठो, बिकॉज ही डिडंट वांट टू गिव गुड दोज ऑप्टिक्स टू वॉशिंगटन। याद रखें इस चीज को, वो वॉशिंगटन को वो ऑप्टिक्स नहीं देना चाहता था कि आई स्टैंड विद द पुटिन एंड शी जिनपिंग। बहरहाल सो पाकिस्तान ने तो जिसे वो कहते हैं ना अप्लाई किया हुआ था, तो वुडंट इट बीन गुड कि पाकिस्तान को इनवाइट कर लिया जाता, लेकिन उन्होंने इनवाइट नहीं किया, और वो शायद इसीलिए नहीं किया, उन्होंने कि पहले कहा होगा पहले मोदी से पूछ लें व्हाट डज मोदी सेज, मोदी साहब जो कहेगा वो कर लेंगे। आप देखें कि लंबी लिस्ट है भैया जिन लोगों को बुलाया गया है। अब आपको पता है ये इकोनॉमिक साइज के में G7 से आगे चला गया, ब्रिक्स की जो GDP है दैट इज 35.6%, G7 की जो GDP है दैट इज 30.3। देखें तकलीफ पता है क्या है इस वक्त, वेस्टर्न वर्ल्ड जो है वो परेशान क्या है, वो इंडिया को देख के परेशान होती है, उनको शी जिनपिंग एंड पुटिन की मोहब्बत से कोई फिक्र नहीं है, उनको फिक्र इस चीज की है कि ये मोदी की समझ नहीं आ रही यार ये साढ़ा की करता है। You talk to any politician, you talk to any media person abroad, and they say that we don't understand India kya kar raha hai. The only country whose foreign policy is not understood in many in the West is India, kyunki wo strategic autonomy ki baat kar raha hai na. Acha ye jo BRICS summit hai ye isliye bhi aim hai ki pehli dafe kuch aur mumalik bhi isme shamil ho rahe hain, is BRICS mein shamil ho gaye hain formally. Ek to UAE hai, इथोपिया, मिस्र और ईरान, ये चार ममालिक हो गए हैं। 30 के करीब ममालिक ऐसे हैं जिन्होंने ख्वाहिश का इजहार किया है कि वो ब्रिक्स के मेंबर बने, क्योंकि पाकिस्तान ने भी रिक्वेस्ट कर रखी है। तो ब्रिक्स आप कह सकते हैं कि एक नया तंजीम बन रही है, जो कि जिसको आप नेटो, क्योंकि इकनॉमिक इसमें कोऑपरेशन की बात ज़्यादा हो रही है। अच्छा, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ये भी है जो इस समिट में आएगी, और वो होगी कि आया क्योंकि भारत के वज़ीर आज़म मोदी भी और जो चाइना के सदर हैं शी जिनपिंग वो भी होंगे, तो मेरे लिए तो दिलचस्प बात ये होगी देखने की कि आया इन दोनों रहनुमाओं के दरमियान कोई मुलाकात होती है कि नहीं होती।